तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। ये है BBMKU और आज हम लोग बात करने वाले हैं BBMKU सेमेस्टर 2 के एग्जाम प्रोग्राम और सिलेबस के बारे में और एडमिट कार्ड के बारे में, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है सबके पास सिलेबस पहुंच गया होगा, सॉरी एग्जाम प्रोग्राम, एग्जाम का रूटीन BBMKU सेमेस्टर 2 के एग्जाम का सेशन क्या है। तो आपका है 23 से 27 सेशन, ठीक है, और जो 26 में फेल किए थे 22-26 में उनका भी साथ में इंक्लूड है। ठीक है, और 23-26 में जो वोकेशनल के थे उनका भी साथ में इंक्लूड है। तो मेनली एग्जाम हो रहा है 23 से 27 सेशन वालों सेमेस्टर 2 का। इसमें सबको एग्जाम प्रोग्राम मालूम है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद एडमिट कार्ड के बारे में बताऊंगा, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, यानी कि जो पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन पेपर उसके बारे में। ठीक है, तो पहले दिन होगा AEC पेपर, 19 तारीख से एग्जाम है आप लोगों का और एडमिट कार्ड आपका आज आ जाएगा शाम को। ठीक है, तो 19 अक्टूबर से एग्जाम है, पहला AEC पेपर होगा, ये आपका पेपर इंग्लिश का होता है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का पेपर। ठीक है, उसके बाद आपका SEC पेपर होता है, स्किल एनहेंसमेंट का पेपर, SEC पेपर। ठीक है, फिर आपका मेजर पेपर, और मेजर पेपर 2 होगा, फिर आपका मेजर पेपर 3 होगा, देन MDC का पेपर होगा, फिर आपका यहाँ पे माइनर पेपर है। ठीक है, और नीचे में आपका सेंटर नेम दे दिया गया है कॉलेज, जैसे आपका ये सेंटर है, नेम ऑफ कॉलेज, जैसे SSLNT कॉलेज का सेंटर मिला है, SSLNT कॉलेज धनबाद में ही, यानी कि होम सेंटर है। BSSM कॉलेज धनबाद का, इनका भी होम सेंटर, मतलब सबका होम सेंटर मिला है किसी किसी को छोड़ के, जैसे ये KSMGM कॉलेज निरसा और इनका SHME डिग्री कॉलेज धनबाद, इन दोनों का सेंटर मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम सेंटर मिला है और ये आपका अपना कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट है, सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, और लिस्ट देखना सकते हैं ना, और नहीं सकते हैं तो मैं बता देता हूँ एक मिनट में। ठीक है, और इसके साथ ही अब मैं बताऊंगा एडमिट कार्ड। चलिए पहले बताता हूँ कि जब भी कोई एग्जाम प्रोग्राम आता है, आप लोग तो व्हाट्सएप में पा जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल रूप से कैसे चेक कीजिएगा वो चीज जानिए। पहले आइएगा गूगल, और गूगल में सर्च मारिएगा अपना यहाँ पे BBMKU। ठीक है, BBMKU सर्च मारिएगा, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, BBMKU सर्च लिखिएगा, BBMKU लिख के आपके सामने इस तरह से वेबसाइट आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा अपने मोबाइल में तो आपका खुल जाएगा विंडो। अब यहाँ पे देखिए नोटिस दिखाई देगा आपका, जनरल नोटिस और दूसरा एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लिखेगा एग्जाम प्रोग्राम एंड सेंटर लिस्ट सेमेस्टर 2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपना जब भी आता है एग्जाम प्रोग्राम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया, कब किस तारीख को किसका है वो सब अब यहाँ पे देखना छोड़ दीजिए। अब आप लोग एडमिट कार्ड में देखिए कि किस किस डेट पे आपका एग्जाम कहाँ पे है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो वही प्रोसेस है, आपको आना है गूगल में। ठीक है, और गूगल में आके सर्च मारना है BBMKU, BBMKU सर्च मारिएगा, और यहाँ पे देखिए आपको एक सेक्शन मिलेगा एग्जामिनेशन यहीं पे। ठीक है, इस पर क्लिक करना है डायरेक्टली, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम तब यहीं पे आएंगे और फिर से BBMKU पे ही क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेज खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाने मिलेगा एग्जामिनेशन ऑप्शन, देखिए पहले अबाउट अस एकेडमिक है, फिर आपका स्टूडेंट फैसिलिटीज है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा एग्जामिनेशन वाला लिखा होगा इस पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा ये देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन, इस पे आइएगा तो आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे। अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड, जैसे आप लोग का 19 से एग्जाम है तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर भी शो करेगा, और यहाँ पे शो नहीं करेगा तो डायरेक्टली आप इस पे क्लिक कीजिए, कहाँ पे ये देखिए एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, दूसरे नंबर पे, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक मिनट यार, हाँ एडमिट कार्ड लिखा हुआ आ जाएगा 22-26 आज शाम तक आ जाएगा आपके यहाँ पे, 23-27 लिखा हुआ करके एक नया खुल जाएगा, और उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से यहाँ पे सेमेस्टर चुनने का रहेगा, आप लोग सेमेस्टर 2 चुनिएगा, रोल नंबर यहाँ पे डालिएगा, ठीक है, अपना पिछले वाला एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट में लिखा होगा वो रोल नंबर, और सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, और वहां से फिर प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, तो आज आपका शाम तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। मैंने भी इसी BBMKU से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए आप लोग से पहले सेमेस्टर ये जो 22-26 वाले सेशन थे उनका सेमेस्टर 2 का एग्जाम हो चुका था, और उसी का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको
कल से देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। BBMKU का एक या दो वीडियो अब डेली डाला करूंगा, क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम है। वैसे मैं मैक्सिमम वीडियो पहले शुरुआत में मैं BBMKU से ही शुरू किया था, क्योंकि मैं भी उसी क्वेश्चन से किया था। फिर BBMKU के बाद मैंने विनोद भावे को भी साथ में ले लिया, और उसके बाद देखने लगे कि BBMKU में बहुत सारे बच्चे वीडियो बनाने लगे, जैसे कि रोहित बनाने लगा, ठीक है, और भी बहुत सारे सौरभ बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि छोड़ दीजिए, इन लोग को बनाने दीजिए, जब एग्जाम होगा उस टाइम पे मैं ही केवल बनाऊंगा, ठीक है। बाकी अभी मैं मैक्सिमम वीडियो रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर, कोलान यूनिवर्सिटी, इन सब को बनाता हूँ, और जब एग्जाम आता है तो BBMKU के बच्चों को भी गाइड करता हूँ, क्योंकि BBMKU का मैंने बहुत सारा मटेरियल डाला है। अभी तक जितना भी मैंने वीडियो डाला है ना, लगभग 3000 के आसपास, इसमें 1500 वीडियो केवल BBMKU का होगा, विश्वास कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहीं से पढ़ाई किया और अपना पूरा ग्रेजुएशन के साथ साथ पूरा कंटेंट डाला करता था, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, और उन सभी को मैं आपको दे दूंगा, दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और वही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, मतलब 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से जो पिछले साल पूछा गया था, वही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, यहीं से आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, सीखने पे जोर दीजिए हर चीज को, कंप्यूटर दुकान में हर चीज जाके करना, आजकल टेक्निकल कुछ बनी है यार, ठीक है, उस पर भरोसे मत कीजिए हर, ठीक है। तो अपना शाम तक आ जाएगा एडमिट कार्ड, और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में PDF कल से देना शुरू कर दूंगा, ठीक है, और हो सका शाम तो शाम से ही वीडियो देना शुरू कर दूंगा। फिलहाल बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका लिंक मैं डायरेक्टली आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वेबसाइट का, ठीक है। तो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।